एक बड़ा डेवलपमेंट पंजाब में भी हो रहा है और उससे आपका परिचय करा दें। दरअसल प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट आज से मोहाली में शुरू हो गया है। दो दिन तक चलने वाले इस समिट का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। इस इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश के सैकड़ों उद्योगपति भाग ले रहे हैं। इन्वेस्ट समिट पंजाब की ओर से सभी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पूरे उत्तर भारत में निवेश के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने दो दिन के सम्मेलन में पंजाब में हजारों करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई है। मान ने कहा है कि उद्योगपति राज्य में बेहिचक निवेश करें, उन्हें हर सुविधा मिलेगी। मान ने कहा कि पंजाब नए विचारों और नई तकनीक को सबसे पहले अपनाने वाले राज्यों में से एक है। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हम होता हुआ देख रहे हैं पंजाब में। पंजाब इज अ होप एंड फुटबॉल ऑफ इंडिया एंड पंजाबीज आर ग्लोबल सिटीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड। देर आर पंजाबीज एंड सक्सेसफुल पंजाबीज। पंजाब इज द ओनली स्टेट विच हैज फ्रेंचाइज। There is a big Punjab in Vancouver, Surrey, in BC, Canada. Big Punjab in Edmonton, Calgary. Big Punjab in Toronto. A big Punjab in San Francisco, San Jose, Fremont, Chicago, New York. A big Punjab in Birmingham, London. In Sydney, in Perth. In Melbourne, in Hamilton, Auckland, Singapore, Malaysia. So we are global citizens. मैं चाहता हूं जो भी आए दिल से आए और पंजाब की धरती है, जो भी यहां दिल से आता है इतनी बरकत है उसको लॉस नहीं होता कभी। पंजाब ने कभी किसी को घाटा नहीं पाया। पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। तो पंजाबी इसको ग्लोबल सिटीजन बताते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करते हुए और अपने स्पीच में एक तरह से पंजाब को प्राइम लोकेशन बताते हुए आपने सुना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। लेकिन एग्जैक्टली इस समिट में अब तक क्या होने की एक्सपेक्टेशन है, दो दिन के समिट में कितने एमओयू साइन होते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी खबर के लिए सीधे चलते हैं मोहाली जहां से हमारे संवाददाता अनमोल गुलाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, जरा बताइए कि जो शुरुआत आज से हुई है, दो दिन का ये समिट है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कौन बड़े निवेशक यहां पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और किन सेक्टर्स पर फोकस बड़ा दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर इस इन्वेस्टमेंट समिट की बात की जाए तो काफ़ी उम्मीदें सरकार को इस इन्वेस्टमेंट समिट से पहले से थी और कहीं ना कहीं कहा जाए कि इसको, इस इन्वेस्टमेंट समिट को पुराने जो समिट्स थे उनसे ज़रूर एक बारी कंपेयर करने की कोशिश जो कि है सरकार द्वारा की जा रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पहले सिर्फ MOUs साइन हुए उनके, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका असर नहीं पड़ता नज़र आया। लेकिन इस बार की बात की जाए तो मौजूदा सरकार का कहना है कि जो कुछ पुरानी सरकार द्वारा नहीं किया गया था, यानी कि एक फेवरेबल एक जड़ी एनवायरमेंट जो की है वो इंडस्ट्रीज को पहली जो पुरानी सरकारें थी उनके द्वारा नहीं दिया गया, वो माहौल हम जरूर मुहैया कराएंगे ताकि जो इंडस्ट्रीज है पंजाब में वो फ्लरिश हो। देखो, दो दिन का ये इन्वेस्टमेंट समिट है और ये भी कहा जा रहा है कि मार्च से लेके अभी तक जो की है लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो किया है पंजाब में आ चुका है। इसके अलावा आज के इन्वेस्टमेंट समिट की बात की जाए, पहला दिन था इन्वेस्टमेंट समिट का और इसमें काफी बड़े प्लेयर्स जो किए वो देखने को मिले। उन दिग्गजों के अंदर बात की जाए तो ITC इस जो कि इन्वेस्टमेंट समिट में मौजूद थे, पेप्सिको इस इन्वेस्टमेंट समिट में मौजूद थे, ट्राइडेंट ग्रुप, एयरटेल भारती, तमाम ये वो ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं पूरी मार्केट के ऊपर एक बड़ा शेयर जो कि वो होल्ड करते हैं और मार्केट को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलाते भी हैं। अगर इन तमाम जो बड़े ग्रुप्स हैं इनकी जो यूनिट्स हैं वो पंजाब में अगर लगाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगते हैं या उनके द्वारा जो कि अलग और भी तरह के अगर यूनिट्स खड़े किए जाते हैं पंजाब में, उससे कहीं ना कहीं देखो दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो की है पंजाब की वो
कहीं ना कहीं बेहतर होती नजर आएगी और फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी पंजाब में जो किया वो कहीं ना कहीं पनपती नजर आएगी, जिसके चलते एक ब्रेन ड्रेन का जो प्रॉब्लम है उससे भी बचा जा सकता है और दूसरी तरफ जो नशे की प्रॉब्लम है जो कि कहीं कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पंजाब का यूथ जो नशे में है उनको भी कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि देश में जो एक लहर सी फैली हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, अलग अलग राज्यों में हम लगातार देख ही रहे हैं, उसके अपडेट्स भी दे रहे हैं, उसी कड़ी में पंजाब भी जुड़ गया है। कुछ बड़े हजारों करोड़ के फिलहाल एमओयू साइन होते हुए दिखे और आज तो पहला ही दिन है, ये दो दिन का समिट है और जाहिर तौर पर इससे बड़ा निवेश तो आएगा ही, जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी बड़े पैमाने पर टैकल करने की कोशिश यहां की गई है।